Hi everyone, Assalamu alaikum. This is me, Abhika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So guys, आज के नए व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं आप लोग को बता दी चलूं कि अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और वो तो आप लोग को पता चल ही जाता है मेरी तैयारी देखी कि अभी काशिफ खान कब बाहर जा रही है. सो सीन ऐसा है कि आज हमने प्लान किया है काफी टाइम बाद ही हमने प्लान किया बाहर जाने का. बाहर जाने से मुराद मूवी देखने का. हमारा आज का प्लान है मूवी देखने का, लेकिन वो मूवी कौन सी है, क्या सीन है, कौन कौन जा रहा है, क्या होता है आगे, वो सब आप लोग इस व्लॉग में ही पता चलेगा. तो फुल व्लॉग आप लोग ने जरूर देखना है, और हाँ, प्यार भी बरसाना है. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. माई आउटफिट गाइज, और शीशा कितना गंदा हो रहा है आज. साफ कर देते हैं और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखाते हैं. हेयर इट इज. और आज मैंने पहनी है लेमन कलर की कुर्ती और ट्राउज़र, और मैं ख़ुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ. खैर, मैंने सोचा था कुछ और पहनूंगी, बट फिर मैंने बोला कि यार ये पहन ही लेते क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी, तो इसलिए चलिए चलते हैं. तो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं, और मेरे साथ हैं मानी, गुड्डू, उज्जा, अन्नू भैया और मम्मा. बाबा हमारे साथ गए नहीं हैं क्योंकि बाबा कहीं और जाना था, और ये माहिर हसन खान को हम ला नहीं रहे थे पहले क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है. बट इन्होंने कहा कि आप मुझे मूवी देखनी है, प्लीज़ लेकर चलो. मैं तो नाचोस खाऊंगा और नाचूंगा. नाचोस के लिए जा रहे हैं ये, कि आप ही नाचोस हम खाएंगे तभी मैं जाऊंगा मूवी देखने, तो इसलिए फिर मैंने बोला चलो. और ये अब लेटे हुए हैं क्योंकि, लेकिन मैंने ना दम करवाया था बाबा से, दम करवा लिया था. तो फिर भी आपकी तबीयत खराब है ना, आपको आराम करना चाहिए था. मेरा क्यूटू मानी और आप ही की मैचिंग हो गई है, क्यूटू बेबी येलो. और इतना गंदा ट्रैफिक था कि बस, हमारी मूवी है 7:30 की. उज़ा टाइम बताएं. 7:21. ओ गॉड, ऑलवेज लेट गाइस, पता नहीं क्यों. हम सच बताऊं, मम्मा और मैं तो 6 बजे से तैयार है, बस कुछ ना कुछ करके लेट हो ही गया है. ऊपर से ट्रैफिक अभी हो गया था तो इसकी वजह से हो गया, बट खैर होता रहता है, ये नॉर्मल सीन है. अरे आराम से चलाओ, आराम से. और हम जिस बात ही हो गया कि बस 7:30 से पहले पहुंचाऊंगा, बट लेट्स सी कि हम लोग कब तक पहुंचते हैं. हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूप्लेक्स. अंदर चल के बात करते हैं आप लोगों से. हम लोग न्यूप्लेक्स आ चुके हैं, और हम लोग मूवी देख रहे हैं चेता सिंह. जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि चेता सिंह इंडियन पंजाबी मूवी जो है वो इतने टाइम बाद पाकिस्तान में लग रही है, और पंजाबी मूवीज़ तो वैसे बहुत फ़नी होती हैं, बट ये वाली जो है वो मर्डर मिस्ट्री है. एंड मैंने प्लान किया कि हम चलते हैं, तो इसलिए हम आए हैं. अब देखते हैं कि हमें टिकट्स मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि हम लेट हैं. सो लेट्स गो. ब्लू वाली है, वाइट अवेलेबल है. 7:50 में एक पूरी रॉ कर देंगे. ये ऊपर डी रॉ जो है, ग्रीन वाली जो है ना, आपके लिए स्लाइड कर रही हूं. हां तो फिर ठीक है, मिडिल में बेटर. ये एफ भी क्लियर है ना, एफ में होगी 7, लाइक डी और सी कर लेते ना. ये एफ कर दें और ई कर दें, अलग अलग रॉज हो जाएंगे. ये बेक कर दें, डी एंड सी कर दें हमारे. ठीक है, हम उनको ऐड कर देंगे, हम उनको बोल देंगे हमें जगह दे दें. दिस इज माय बैग. पहली दफा है ना न्यूप्लेक्स. क्या मूवी बिल्कुल नहीं पसंद? नाम से अच्छी लगी थी. क्या नाम है? चेता सिंह. पंजाबी मूवी देखना है. इसके रिव्यूज भी मैं आप लोगों से लूंगी. आप लोगों ने इसको नोट करना है कि मूवी कैसी है, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी. जो ऑनेस्ट रिव्यूज होगा वो आप ही दे रहे हैं, ठीक है. मैं भी अपना रिव्यू दूंगी, फिर अगर रिव्यू मेरा अच्छा हुआ तो फिर आप लोग भी जाना देखें. अगर बुरा भी तब भी चले जाना. क्या हो गया? बुरा तो नहीं होगा, खैर अच्छा ही होगा, तो डोंट वरी. आज मैं फैमिली के साथ आई हूँ. पहले मैं फैन ला रही हूँ, जरनाब, आयशा, अभी भैया और हम लोग आए थे. बारबी मूवी देखा, जो कि 1% की अच्छी मूवी नहीं थी, बट खैर अब ये देखते हैं मूवी कैसी है. पकड़ना तुम्हारी सेहत के हिसाब से. क्या क्या पकड़े हैं? इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं. ये तुम्हारी
हाथ में आ चुके हैं और ये कोल्ड ड्रिंक मेरी उबल उबल के ऊपर आ चुकी है। चले माही लेकिन अब तक वो आई नहीं और आधी मूवी हो चुकी है। लाइट्स ऑन हो गए इसलिए मैं ब्लॉग का पार्ट बना रही हूँ, वरना अंधेरे में तो बन ही नहीं पाता। हमने एक तो इतने बड़े बड़े पॉपकॉर्न ले लिए कि खत्म ही नहीं हो रही है। ये देखिए इतने सारे बच्चे। उज़ैम कैसी मूवी है? क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छी मूवी है। अन्नू को बुलाओ, This is a fight for our very existence. ये वो लोग हैं जो मूवी में सिर्फ खाने आते हैं, है ना? क्यों? जरीन, मूवी कैसी लग रही है? मूवी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। नहीं बोलो कैमरे के सामने। बदली करा रहे तू अपनी, मैं थोड़ी तेरा सेवा देखा जाता रोज रोज, एक महीना तेरे को। मुझे लग नहीं रहा था तू भी कह रही, और ऐसी मूवी इतनी अच्छी होगी, मुझे लगा शायद नॉर्मल होगी मार धार एंड ऑल, लेकिन यार क्या सस्पेंस था उसके अंदर। एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन के जो सस्पेंस था ना बीच में, वो मज़ा ही आ गया। अब हम सबसे पूछते हैं मूवी कैसी लगी। भैया बताओ मूवी कैसी लगी? अच्छी थी, पंजाबी मूवी अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी। एंड बड़ा मजा आया एंड, मतलब यार उसकी मजा ही आ गया। मम्मा बताएं मूवी कैसी लगी? बहुत जबरदस्त, मुझे तो इतना मजा आया देखने में और कुछ कुछ आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, बहुत ही जबरदस्त। मम्मा मूवी वैसे इतनी देखती नहीं है, लेकिन मम्मा को मेरी बहुत अच्छी लगी। और वैसे तो एक एंजॉयमेंट और वो अंतर समाज, एक सस्पेंस जो क्रिएट हुआ हुआ था, इतना अच्छा लगा। मैं तो कह रही हूँ यार बहुत मजा आया। क्या बात, तो बताएं मूवी कैसी लगी? मूवी कैसी थी? मूवी बहुत जबरदस्त थी, पाले ने कमाल कर दिया। आप बताएं मूवी कैसी? भाई बहुत जबरदस्त मूवी थी। रीस आप बताएंगे मूवी कैसी लगी? सबसे अच्छा पाला था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सागर म्यूजिक की टीम ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। मैं तो कहती हूँ ऐसी मूवीज आनी चाहिए। मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए थी क्योंकि इतने टाइम बाद पाकिस्तान में कोई मूवी लगी थी, इतने टाइम से मैंने कोई भी मूवी ऐसी देखी नहीं थी। बट ये वाली मूवी वर्थ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग भी ज़रूर आना और ज़रूर देखना, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मतलब मैं तो तारीफ कर करके नहीं थक रही यार। मूवी हमने देख ली है, स्टेयर से तुम लोग जल्दी आ रहे थे ना, लिफ्ट से हमें देर हो गई है, अब रश बढ़ रहा है। लोग जाते हैं ना रात में मूवीज देखने आते हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम 11 बजे आएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा अगर 11 बजे आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए फिर हमने 7 बजे वाला प्लान किया।
तो अब हम बिल्कुल सही टाइम पे जो है वो फ्री हो गए हैं, अब हम जाएंगे खाना खाने। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, ऑर्डर दे दिया है खाने का, अब खाना जैसे ही आएगा तो हम खाएंगे। सीन ऐसा है कि मूवी में तो मज़ा ही आ गया, लेकिन एक इंसान का रिव्यू जो है, एक लड़की का रिव्यू जो है वो रह गया था। जी मोहतरमा चेता सिंह नाम था सर, वैसे तो मुझे नाम नहीं पता था कि मैं रवि का मम्मी की टिकट्स वगैरह बुक करवाए थे। मैं आई हूँ, लेट हो गई थी थोड़ा, तो मुझे मूवी समझ नहीं आई थी। आधी मूवी मुझे रवि का समझाई, फिर उसके बाद से मुझे देखने में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। फिर आपको मजा आ रहा है? हाँ, ओवरऑल मूवी का जो एंड था, क्योंकि मैंने एंड भी ऑब्वियसली देखा है, बहुत अच्छा था और बहुत एक मर्डर मिस्ट्री थी मूवी, बहुत अच्छी थी। वैसे पंजाबी में हमेशा से वो कॉमेडी मूवी आती है, लेकिन एक आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मर्डर मिस्ट्री आई है, लेकिन मज़ा ही आ गया। चटनी खिला दी, हमारा खाना आ चुका है गाइस, और हमने एक नई डिश भी मंगवाई है, ये देख सकते हैं। हम दोनों उसका नाम बताते हैं, उसका नाम है चाइनीज। तो ये सीन है, अल्फ्रेडो ही तो आपकी सेहत के हिसाब से ही आया है, वैसे बिल्कुल सही, एकदम सेहत के हिसाब से आया आयशा भी के। मम्मा प्लेट में रख दो, मम्मा को सबसे ज़्यादा मेरी टेंशन होती है कि मैं ले लूँ सारी चीज़ें। डन विद द फूड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लड़की ने आज दगाबाजी की है मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी छोटी मम्मी को लेके नहीं आया। क्या तरीके आप मिस करते हैं, वो पता नहीं कैसे उसी से प्यार है, ज़्यादा प्यार। वो कल घर से जा रही पूरे 5 दिन बाद, मुझे उसकी याद आ रही थी। अगर आप ऐसा करते हो ठीक ठाक, लेकिन चलो खैर आयरन ही आई, लेकिन जब आयरन बड़ी हो जाएगी ना तब मैं उसको डेफिनेटली लेके आऊँगी। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि हमने खाना खा लिया है, सो लेट्स गो। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैं एंडिंग करना भूल गई थी, तो मुझे अभी ख्याल आया कि मुझे एंडिंग भी करनी है, तो इसलिए हेयर आई एम। यार मेरे डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं अच्छे खासे इतना सारा काम करना पड़ता है ना गाइस। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आके इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जल्दी से 2 मिलियन कर दो यार, कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी करो। मैं चाहती हूँ बर्थडे से पहले हो जाए, हो सकता है ऐसा, हो तो सकता है अगर आप लोग चाहें तो, चाहें तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता है ना, सही बात है ना। तो फिर जल्दी सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।